बोले शेजमल गर्भतार की अपनी मां मेणा देसु हट पकड़। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो, मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो, रूपो दर्जी चोरी कर दी। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो, रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़द ले आयो, झूठ बोलियो, कर्री चोरी टैक्स री चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो, लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई, और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे, माता मैणा देरे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्याह री बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राजकार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता, दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अठिन जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी। एक दिन दलजी री लुगाई जार, दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, बोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा, कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो ढागरे ने कनिया जन्मी है, हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता। दल जी के दो पुत्र भये, कन्या एक सुजा, प्राणपति अर्जी सुनो, नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है, रामदेव जी भरे साथ में तो मारो भाव भाव रो रिश्तो है, भाव भाव रो संबंध है, और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात, प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा, अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो कौन सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाए, सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी। बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया, जार माता मैणा दे जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सो आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे
मन में विचार कियो कि घर आयो ने नाळेर रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हो, और 1,25,000 री मोहरा दे, और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा दे जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा के मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि आप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयों में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मैणा दे जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोकरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मैणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कहीं बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तब माता मैणा दे रे आंखों में आंसू आ गया, बोली बेटा हरी लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई, अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाचा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मारी सुगना ने बेगी बेगी आवो दियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मारा रूणी चेरा राजा ने लो सांभरो जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मारा। अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मैणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो, और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात्रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उग्यो, चारों तरफ तूफान आयो, और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो। बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पांव मंडिया, घर रो सारो पानी दूध बन गयो, चारों तरफ रोशनी हुई, आकाश शू गर्जना हुई, और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है खम्मा 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 हो कवरी अजी मालरा, खम्मा 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 हो कवरी अजी मालरा, खाने तो
तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मारा दादा अजमल घर अवतार जियो भादरवारी दूजी चांदनी अजमल घर अवतार जियो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पौड़ी गयो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरजी भरी लादा बालिका नात्री पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुरा पगला मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई दो दो बाण की देख पालनी मेणा दे शंका लाई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू हो जो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैयारी शंका ने मेटी दूध उफण तो लियो देखी श्याम सुंदरी
लीला देखी श्याम सुंदर इवड़े आयो है हम तो पूजे राजस्थान जियो खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा